बोले हेलो नमस्कार मेरे दगड़ियों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज जैसे कि हम लोग सब रेडी हो रखे हैं, पूरी फैमिली रेडी हो रखी है पीछे, तो आज हम लोग जा रहे हैं नोएडा सेक्टर 21 में, नोएडा स्टेडियम में। और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हो रहा है उत्तराखंड का सबसे बड़ा मेला और उसको हम लोग कहते हैं महाकौथिक 2022। तो आज हम सभी लोग वहाँ पे घूमने जा रहे हैं, आपको महाकौथिक का पूरा टूर हम लोग दिखाएंगे कि क्या क्या स्टॉल्स हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स वगैरह वहाँ पे दिख रहे हैं, कुछ परफॉर्मेंसेज वहाँ पे होने वाली है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आने वाले हैं, वो अभी आपको थोड़ी देर में दिखेगा कि कौन कौन आ रहे हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे, पूरा घपरोल मचाएंगे आज। तो चलते हैं जर्नी में महाकौथिक की। तो यार ये पहली बार है जब मैं महाकौथिक में जा रहा हूँ और इससे पहले मैं आज तक कभी नहीं गया हूँ। वीडियोस मैंने बहुत सारी देखी है बट आज पहली बार मैं एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं अपने भैया भाभी के, तो उनकी सोसाइटी के बाहर हम लोग खड़े हैं। सैंडी, हमारे सैंडी भैया आ चुके हैं, हमारी भाभी आ चुकी हैं। अच्छा। और पीछे यार एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन गाइस हम एडजस्ट हो गए हैं हम लोग एडजस्ट, तो सब लोग रेडी हैं। भैया फुल यार उत्तराखंड वाला पूरा भैया ने पहन रखा है। बोलो जय माता दी जय। सो अभी आने वाला है थोड़ी देर में, लाइक मेरे ख्याल से 5-10 मिनट में आ जाएगा। नोएडा में तो आ गए हम लोग। सो गाइस फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नोएडा में और ये मेन गेट है, यहाँ से हमने एंट्री ली है और गाड़ी हमने लगा दी यहाँ पे फर्स्ट क्लास। और पूरी फैमिली है, भैया हैं, भाभी हैं, सब लोग यहीं पे हैं। और अभी ब्लॉगर टू ब्लॉगर और अभी चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं। चलिए। तो यार आ गए हम लोग महाकौथिक में, ये अपना मेन गेट। अरे बाड़ी भाजी के फॉलोअर्स। तो भाई कैसा लग रहा है एकदम से इतने सारे लोग एंट्री करते ही? भाई अच्छा लग रहा है, अभी और एक्सप्लोर करेंगे, पूरा मेला एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कौन क्या मिलता है। एंट्री करते ही कितने फॉलोअर्स मिलते हैं, मतलब मास्क नहीं लगाएगा तभी लोग पहचान पाएंगे, बाकी मुझे नहीं पता। नहीं लगाना तो गाइज ये हैं बहुत सारी स्टॉल्स जैसे कि आप देख सकते हैं। तो बंगोला यहाँ पे भांग मिल रही है, गरिया भांग। इसमें हम लोग आ चुके हैं उत्तराखंड स्वीट्स करके है, उत्तराखंड का स्पेशल भाजी एंड कंडी यहाँ पे अरसे वरसे भी मिल रहे हैं बढ़िया। तो एक बार देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं क्या मिल रहा है यहाँ पे। तो ये भी लेना है मुझे, तो मैं देखता हूँ एक बार टेस्ट करके देखता हूँ, उसके बाद डिसाइड करेंगे लेना नहीं लेना। कहाँ से आप लोग? डायरेक्टर। हमने अभी ले लिया है यहाँ पे गुनास का जूस और इसको टेस्ट करेंगे, आपको बताएंगे टेस्ट कैसा है। और यहाँ पे ये स्टॉल में यहाँ पे मिल रहा है तो यहाँ पे आप ले सकते हो। मैं टेस्ट कर रहा हूँ, हम पियेंगे जूस।
तो दगड़े हो, अभी हम लोग आ चुके हैं पहाड़ी स्टोर में और हमारे साथ हैं भाई, आपका नाम? मेरा नाम है रमन शैली। अच्छा। हम लोग पहाड़ी स्टोर और टट्स दो ब्रांड्स चलाते हैं। पहाड़ी स्टोर के माध्यम से हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड में जितने लोग उत्पाद बना रहे हैं उनको एक छत के नीचे हम लेकर आए। तो यहाँ पे जो भी आपको चीज़ें मिलेंगी या हमारे देहरादून आउटलेट श्रीनगर में आप देखेंगे तो हमारे पास पहाड़ के साहित्य से लेके खाने पीने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें, कुछ कुछ दुर्लभ वस्तुएं, गिफ्टिंग आइटम्स क्या क्या हो सकते हैं, ये सारे उत्पाद आपको हमारे आउटलेट्स में मिलेंगे। इसके अलावा जो ब्रांड हम चलाते हैं उसमें हमारे जो डिज़ाइंस होते हैं ये टी शर्ट्स पे, टोपियों पे और ऐसे कुछ अलग अलग टाइप की वीविंग शॉल्स में आपको मिलेंगे। तो भाई यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ और आप कह रहे हो ये भी कम चीज़ें आप दिखा रहे हो, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें और हैं, वो एक स्टोर को यहाँ पर लेकर आना बहुत मुश्किल है। कर्नाली की चाय, अरे यार गजब, क्या बात। ऐसे ही जो हमारे नमक है इसमें चोरू का है, टिमरू का है, भांग का है, हल्दी का है, तो बहुत सारी और प्रोडक्ट्स है। सबका एक ही ठिकाना पहाड़ी स्टोर, पहाड़ी स्टोर, क्या बात है। एक बार बताओ पहाड़ी भैजी का क्या डिस्काउंट है? पहाड़ी भैजी के नाम से क्या डिस्काउंट मिल रहा है इधर, ये तो बताओ। देखो सबसे अच्छी बात ये है कि सबके सब पहाड़ी है, बनाने वाले पहाड़ी है, लेने वाले भी पहाड़ी है, तो उनको मिलेगा ढेर सारा प्यार और हमारी तरफ से एक पहाड़ी भैजी वाला। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मैच मिलेगा, सेल हो गई भैया, एक मैच तो मिल रहा है स्टोर पे। ठीक है, स्टोर पे, ठीक है, ठीक है, डन 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 डन, एक बैच फ्री पहाड़ी भैजी बोलते हैं। और जो पहाड़ी में बात करेगा क्या बात है, दो बैच भी मिल सकता है। क्या बात है, यहाँ की पहाड़ी में बात कर पड़े हैं, सब कुछ बिल्कुल कर पड़ लेगा। एक बार इन में भात खाना चाहिए होटल में, लेकिन जो कि पहाड़ी बोलने में जो है डिस्काउंट, एक देखा था मैंने वाली, सब कुछ करीबे का बात भी ऐसा हमारे यहाँ नहीं होगा। भाई यहाँ पे अभी हम लोग आए हैं टिहरी स्पेशल टिहरी नथ के सामने। यहाँ पे उत्तराखंड की बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, टोपी, नथ, गुलाबंद वगैरह सब कुछ मिल रहा है। तो एक बार देखते हैं स्टोर में क्या क्या मिल रहा है। मम्मी को लेना है गुलाबंद, आंटियां पूरी तरीके से तैयार हो रही पहले। एक स्टोर है पहाड़ी छा, हम पहाड़ी छा, और यहाँ पे यार बहुत सारे क्राफ्ट एंड आर्ट्स का सामान पड़ा हुआ है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। फाइनली अभी मैं आरगना मेले में और मुझे मिले हैं कुछ फैंस मिले हैं। कहाँ से आप लोग, कहाँ से हो आप? बुंडेर गांव। आपका नाम? आपका नाम? आपका नाम? रिया नेगी। आपका नाम? विधान रावत। तो यार कैसे पहचाना मुझे? वीडियो देखते हो? चलो अच्छा है, बढ़िया बढ़िया। क्या करते हो आप लोग, पढ़ते पढ़ते हो, क्या करते? कॉलेज में, कौन से कॉलेज में? फर्स्ट ईयर में, श्यामलाल। और कहाँ का रहते हो यहाँ पे? अच्छा लक्ष्मी नगर में, बढ़िया है, मेला एंजॉय करना है हमें। चलो ठीक है, ठीक है, आ जाओ आ जाओ, पहचाना पहचाने में यार। आशु के बहुत सारे फैंस हैं, एक फैन मूवमेंट चल रहा है आशु का। तो भाई कुछ फैंस मिले हैं यहाँ पे जो मम्मी को ही फॉलो करते हैं, तो चल के मत घूमना।
बात नहीं, हमारे हम दगड़े सुन आज आशु पंडी ने इनात्रे पहाड़ वेज इनात्रे पहाड़ी बोला बिल्कुल बिल्कुल। और आशु कल भी आया था, आशु रोज आ लिया कर आशु आपको रोज मिलेगा यहाँ, बस आवाज बैठ गई थोड़ा आवाज बैठ गई, कल कुछ ज्यादा ही हो गया। हाँ पहले दिन जाते जो समय के में एक दो दिन माँ आवाज पे टेक चले और खूब गपड़ोल मचाने वाला जाम है। वैसे वीडियो बहुत अच्छे रहता है, बहुत जबरदस्त रहता है। वैसे यूट्यूब में है कि ना तो जन इंस्टाग्राम में आप लोग सपोर्ट करता है, यूट्यूब में भी करें बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट करें। और जितने भी हमारे उत्तराखंड के यंग जो लोग हैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग आओ एक्सप्लोर करो, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी, कल्चर के बारे में जानने को मिलेगा। तो हम भी इसीलिए इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से और इंस्टाग्राम के माध्यम से। आप उत्तराखंड के लोग तो अपने साथ जो नौ उत्तराखंड के उन्हें भी लेके आओ, उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि क्या हमारे यहाँ का कल्चर क्या है, क्या क्या चीज़ होती है, क्या क्या खाने पीने को मिलता है, बहुत कुछ। और हमारे साथ भाई और भी है, तो भाई आपका नाम? मेरा नाम जतिन जुआला है, मैं पौड़ीगढ़ वाल का रहने वाला हूँ और मेरे गाँव का नाम है, मैं सितून सु पट्टी से और मेरे गाँव का नाम है पवन। अच्छा घूमने आऊँ, खूब बहुत मजा आ रहा है। तो यार सब लोग आ रखे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, आशु के साथ ही आ रखे। आशु और मतलब आज अपने को क्या अपना स्पेशल क्या रहेगा आज? अभी तो परफॉर्मेंस चल रही है, अभी इधर लोग थोड़ा इधर आने लग गया क्राउड, अभी सुयश भाई भी आ रहे हैं, सुयश भी आ रहे हैं अभी। हाँ, जो बहुत बढ़िया ब्लॉगर हैं उत्तराखंड के, वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉगर। बहुत लोगों ने मुझे पूछ लिया है कि सुयश भैया कब आएंगे, कब आएंगे सुयश भाई? आ रहे आ रहे हैं सुयश भाई, थोड़ा हाई पर आना चाहिए, जब भी आते तो लोग बहुत कुछ करने वाले हैं, गपरोल करने वाले हैं और वीडियो बने रहेंगे, बहुत कुछ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए यहाँ पे हम लोग सारे मिलके पी रहे हैं चाय, क्योंकि हमारा जो है वो गला सूख गया है। यहाँ पे हो रही है परफॉर्मेंस सारी, ये रहा मेन स्टेज, कौन बनाता है भाई आधा घंटा एक घंटा दस मिनट और ये वो। तो भाई फैन मूवमेंट चल रहा है, मैं लेट हो गया, मैं थोड़ा लेट भैया, मेरे को भी जाना बीच में, अब जाओ अब जाओ भैया, मैं भी आ जाऊँ। तो यार अभी ना हमें हो गए हैं कम से कम आधा घंटा है वेट करते करते सुयश का, और भाई वो भाई अपना वहाँ पे फैंस के साथ बिजी है बिल्कुल, और बहुत लोग मेरा चलिए आप तो कोई पूछ नहीं।
नहीं 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 बहुत लोग पूछ रहे हैं, बहुत लोग पूछना चाहते हैं, पर भाई जी तो केरियाल केरियाल भाई तो हालत खराब है यार, लगातार लोग आना चाहते हैं। हम तो चलो आधा घंटे बड़ी हम इंतजार कर रहे हैं, पता है मैं भाई अभी तक भाई फ्री नहीं हो पाया क्योंकि बहुत सारे लोग मिल रहे हैं बंदे को, यहाँ पे बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं फोटोग्राफ के लिए। यार फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं थोड़ा अंदर, भाई अभी है हम लोग यहाँ पे और ये अपना मेन स्टेज जहाँ परफॉर्मेंस हो रही है। अवार्ड फंक्शंस को एक बार फिर से आपके सामने लेके आई हूँ, अवार्ड फंक्शन को, और दूसरी कैटेगरी अब जो आपके सामने आ रही है वो है बेस्ट सॉन्ग के लिए। मसक बीन स्टूडियो के क्रीम पाउडर को बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर मिला है वाकई में, और रील सबसे ज्यादा बनाई गई देखिए तो, और इस गीत के जो मुख्य गायक हैं राकेश खनवाल, इस गायक देखिए इस गीत के गायक भी मंच पर आ चुके हैं, जोरदार तालियां राकेश खनवाल के लिए। राकेश खनवाल की आवाज घर घर में पहुंची इस गीत के माध्यम से, और क्रीम पाउडर मसक बीन स्टूडियो को हार्दिक शुभकामनाएं महाकौथी की टीम की ओर से वर्ष 2022 का सुपर हिट गीत क्रीम पाउडर। शो कैसा लग रहा भाई? भाई मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिल के, आपके साथ जो मैं घूम रहा हूँ यहाँ मेले में मजा आ रहा है। हम तो मिलते रहते हैं बट तेरे को क्या, तेरे को क्या बोलना है कि महाकौतिक के बारे में क्या बोलना है, तो कैसा लग रहा था? सबसे पहले तो ये बोलना है कि अगर आप दिल्ली में हो तो फिर तो आपको पक्का आना चाहिए, अगर आप दिल्ली NCR में कहीं से भी हो ना, अगर आपको यार इन इस 5 दिनों में टाइम निकाल के आना पड़ेगा। 5 दिन का ऐसा भी नहीं, 1 दिन का है, 1 दिन का हम बिजी हैं, ये है 5 दिन का, आप आराम से आ सकते हो भाई, बहुत चीजें एक्सप्लोर करने के लिए, पूरा पहाड़ी कल्चर दिखेगा, लोग दिखेंगे अपने, मजा आ जाएगा, बिल्कुल बोर नहीं हो गए यहाँ पे आके, क्योंकि इतनी सारी चीजें ना, स्टॉल लगे हुए सारे पहाड़ी तरीके के स्टॉल है, कहीं पहाड़ी खाना मिल रहा है तो कहीं पहाड़ी कपड़े मिल रहे हैं तो कहीं पहाड़ी दवाइयाँ मिल रही है, जड़ी बूटियों वाली जड़ी बूटियाँ, तो इसलिए ये सब तो ठीक है, पर तू लेट क्यों हुआ भाई मेरे को बता दे, ये टॉप सीक्रेट। तो यार कौतिक में हमारे साथ कुछ और हमारे बुल्ले मिले हैं यहाँ पे बहुत सारे, नाम क्या तुम्हारा? अजय मेरा नाम तो सान नेगी तुषार नेगी के कॉमेडी चाहता हूं भाई, मैं आसवटी आसवटी आज मौका कौतिक में है जो तुम्हें घूमने का है जी भाई, तुम तो मिलने का ऐसे, अरे धन्यवाद। क्या नाम तुम्हारा भाई? सक्षम रावत। सक्षम रावत के कॉमेडी चाहता हूं घूम कॉमेडी, और तुम्हारा नाम क्या था? यार नाम सचिन से, अम्मी कटवाड़ बड़े चो पट्टी मल्ला बदलपुर। अच्छा अच्छा ओके, चलो आया एंजॉय करा फर्स्ट क्लास, ऐसे लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और यार भी फॉलो कीजिए भाई, बिल्कुल भाई Instagram और YouTube में फॉलो जरूर करें भाई जी, हमारे उत्तराखंड को एकदम कंटेंट बढ़िया लगता है, बिल्कुल बिल्कुल Instagram का कंटेंट अच्छा लगता है, धन्यवाद धन्यवाद भाई जी। चलो चलो भाई यार अभी हमारे साथ हैं, आपने भाई को देखा होगा बुकुल भाई को, CS के ब्लॉग में बहुत बार देखा होगा, काफी ट्रिप उन लोगों ने साथ में भी काफी स्टार्टिंग बात करी, बहुत स्टार्टिंग में करी है। भाई का भी चैनल है यूट्यूब में, किस नाम से? बुकुल ऑन व्हील्स के नाम से आते हैं भाई। मोस्टली जो कंटेंट किस टाइप का कंटेंट बनाते हैं? ये डेली व्लॉगिंग और मोस्टली घूमना फिरना ट्रैवलिंग, तो अगर इंटरेस्टेड हो देखने में तो जरूर देखना। और भाई मुझे बताओ कि महा जैसे भाई पहाड़ी नहीं है हाँ, तो भाई तुमको कैसा लगा भाई? सर बता रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट, बहुत अच्छा लगा, बहुत ऑर्गेनाइज है सब चीजें, क्योंकि हमारे शहर में भी एक और ऐसे मेला होता है, ऐसे में सभी बुराई नहीं करनी चाहिए, उससे जब फार बेटर है, फार बेटर, बहुत अच्छा लगा, मतलब ये एक तरह से हमारी कम्युनिटी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि ना बहुत सारे नॉन पहाड़ी लोग भी आए, कल्चर को समझें और देखें क्या क्या उत्तराखंड में है, तो अच्छा लगा मिलके और आपसे मिलके अच्छा लगा भाई, आज तक खाली देखी थी भाई की वीडियो इंस्टाग्राम पे, आज फर्स्ट टाइम मिला हूं, बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो यार और हमें कुछ और हमारे चाहने वाले फैंस थोड़े से मिले, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेनू नेगी है। रेनू नेगी कहाँ से हो आप लोग? मैं पौड़ी से हूं। पौड़ी से हूं। और मेरे को सबसे ज्यादा आंटी की एक्टिंग बहुत अच्छी अच्छा लगती है। बहुत नेचुरल करती है मम्मी वैसे, मतलब वो चीजें सच में होती हैं बहुत बार, तभी तो रियल लगता है वो, रियल ही है वो, बहुत अच्छा करती है आंटी, थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच, आप बहुत अच्छे ऐसे ही बढ़ते रहो,
और भैया भी ऐसे ही बढ़ रहे हैं आपकी, आप हो तो भैया भी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो यार कुछ और अपने भाई लोग और मिले हैं, भाई कहाँ से हो? मैं अल्मोड़ा साइड से हूँ। नाम क्या आपका? मेरा नाम धीरज रावत। आपका नाम? मेरा रमेश रावत नाम है, मेरा भाई है। आपका इंस्टाग्राम में बहुत वीडियो देखे हैं आपके और बहुत मजा आता है, खासतौर पे जब आपकी मम्मी बोलती है ना वो अच्छा लगता है। और खासतौर पे एक बार एक वीडियो देखी थी आपकी, तो आप कहते हैं पापा को कि पापा मैं अभी आ रहा हूँ, अभी मैं घर से बाहर जा रहा हूँ। हाँ, तो आपके पापा कहाँ जा रहा है, किस लिए जा रहा है, किस जा रहा है, बाइक से जा रहा है, किस लिए जा रहा है, कब तक आएगा, कब तक आएगा, वो चीज बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू सो मच यार। भाई लोग ऐसे बहुत सारे भाई लोग अपने मिल रहे हैं, लोग जा रहे हैं बैक स्टेज में, थोड़ा सा एक बार वहाँ का आपको माहौल दिखाते हैं। झगड़े हो फाइनली, अभी हमारे साथ हैं मैडम को कौन नहीं जानता, मेरे को तो कोई नहीं जानता बट इनको सब लोग जानते हैं और मैं भी इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप लोग आए हो यहाँ पे। थैंक यू सो मच, आप लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 21 से 25 हमारा महागौतम चल रहा है जिसमें से 21 हो गया है, 25 आज हमारे उपमा अवार्ड थे, अभी 3 दिन और बाकी है, 3 दिन आपको बिल्कुल आना है। और हाँ, और आपको पता है ना इतने मजेदार यहाँ पे स्टॉल्स हैं और पहाड़ी खाना भी बहुत ज्यादा है, तो इनकी तो मैं हमेशा से फैन थी, आज मैं पहली बार मिली हूँ तुमसे, थैंक यू। और आप बहुत स्मार्ट भी हो। थैंक यू सो मच। और मैं भी इनकी बड़ी फैन हूँ, इनके मॉम डैड सब लोग इनको पार्टिसिपेट करते हैं आपके ब्लॉग्स में। हमारे साथ हैं रोहित चौहान, कौन नहीं जानता है, सब गानों के फैन है इनके, और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज कर रखा है पहली बात तो, और थैंक यू सो मच हमें इनवाइट करने के लिए। जी जी जी। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू आप सभी लोगों का, भाई जैसे आए और सब लोग आए उन सभी का थैंक यू। और 21 से 25 दिसंबर महागौतम नोएडा स्टेडियम में हो रहा है, तो स्पेशली हमारे दिल्ली NCR में जितने भी उत्तराखंड के लोग रहते हैं वो जरूर एक बार यहाँ आए और जरूर यहाँ पे हमारे पहाड़ की संस्कृति, पहाड़ का खाना, पहाड़ की दालें, सब कुछ इंजॉय करिए और 5 दिन हम लेने निकाले। बिल्कुल बिल्कुल। सो यार बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, गानों में बहुत देखा है, वीडियोस में बहुत देखा है, रियल में मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू, बाकी आप भी आइएगा, बिल्कुल डेफिनेटली हम लोग आएंगे। थैंक यू करने में लगे हुए हैं, हमें मिले हैं कुछ हमारे मेहमान, तो आपका नाम? अनामिका। आपका नाम? अपर्णा। आपका नाम? कहाँ कहाँ से हो? मैं उत्तरकाशी से हूँ। मैं बॉडी से हूँ। इंस्टाग्राम पे इतना गढ़वाली कंटेंट देखना है, कोई पहाड़ी वाइब लेनी है तो गो एंड चेक आउट द एंटायर पेज ऑफ पहाड़ी भैजी, मजे आ जाएंगे। आप नोएडा में रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो या बाहर रह रहे हो, अगर उत्तराखंड को मिस कर रहे हो तो रात को खोलिए पहाड़ी भैजी का पेज और मस्त गढ़वाली गाने सुनिए। गढ़वाली कंटेंट इतना छक छक कंटेंट गढ़वाली में बोले, मजे आ जाएंगे। आजकल का यूथ है जो गढ़वाली बोल भी नहीं पा रहा है, उसके टाइम पे ऐसी पहाड़ी देखना बहुत अच्छा लगता है। बेसिकली इनका जो तरीका है वो इसलिए अलग अच्छा है क्योंकि उन्होंने यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम को और ये सब मीडियम जो लिया है बहुत मीन्स के तरीके में गढ़वाली और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा तरीका है। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग। अभी जा रहे हैं हम लोग आरती में, और भैरवाय नमस्तुभ्यं मनुज्ञान्तरवरहसि भगवते भैरवनाथ दीपकनाथ भैरवाय नमो नमः। जय शिव ओंकार भोले हर शिव ओंकार, ओम हर 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 महादेव, दो भुज चार चतुर भुज दस भुज ते सोने, भोले दस भुज ते सोने। इधर हमारे साथ है हमारे उत्तराखंड के बहुत ही जाने माने डायरेक्टर शंभू भाई। शंभू भाई वेलकम टू माय चैनल, पहाड़ी भैजी का मेरा यूट्यूब चैनल है। थैंक यू सो मच, और सच में मैं भाई को हमेशा देखता ही था, आज मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरे को इतना अच्छा लगा कि भाई ने मुझे भी पहचाना। मैंने पहचान लिया भाई को, भाई बैठे हुए थे। हाँ, मैंने भी पहचाना, आंखों में एक हो गया, कनेक्ट हो गया कि अरे भाई आप, अरे भाई आप, ऐसा हो गया। और मुझे अच्छा लगा कि भाई ने मुझे पहचाना। नहीं नहीं, मैं आप लोगों का सबका मैंने काम देखा है, और उत्तराखंड जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है अभी ना, मतलब स्पेशली म्यूजिक इंडस्ट्री में, तो वो आप लोगों का बहुत ज्यादा उसमें योगदान है, और अच्छा लगा आपसे मिलकर। कोशिश, थैंक यू सो मच, और अब हम लोग जुड़े रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग जुड़े रहेंगे और आगे डेफिनेटली मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं जी हूं तो भी आज लगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, अब आप लीड बोलो, आप तो लीड बोलो, आप लीड बोलो था यार, बड़ा यार बैठ जमेदा लीड बोलो पक्का, मुझे नहीं लग रहा खराब हो, बात नहीं खराब, कांटेक्ट नहीं चाहिए, अब थोड़ा धीरे-धीरे करके प्लानिंग कर ला है ना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जन वी ऑल। बहुत-बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छी डायरेक्शन करना चाहिए, धन्यवाद। नमस्कार दगड़ियों, मेरे घर चनाज हमारा बहुत पुराना सिंगर और
मतलब बचपन बड़ी हम को गाना सुनते आए हैं। मैडम जी, मैडम नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत बधाई आप लोगों का। आप जितना भी हमारा छोटा बच्चा चाहे लोग जो यूट्यूब चलाना चाहे यूट्यूब का माध्यम से एक दूसरे से जुड़ना चाह पहाड़ी भेजित है, सब्सक्राइब करें, लाइक कराए, शेयर कराए। हमारे बच्चा छन हमूली यूँ था आगने बढ़ो सबूत है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। महाकौतिक ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो हमारे साथ हैं राखी जी। तो कौन नहीं जानता इनको, इनको कौन नहीं जानता, पहले यूं तक को नहीं जानते। तो यूं की गढ़वाली भी बहुत फेमस है, और मतलब आप यहाँ पे एग्जैक्टली क्या कर रहे हो? महाकौतिक की मैं सदस्य हूँ 2016 से, तो मैं एंकरिंग करती हूँ। पर अच्छा। आज मैं जूरी मेंबर थी, क्योंकि यहाँ पे आज ये था उत्तराखंड फोक म्यूजिक अवार्ड था, तो उसकी मैं जूरी मेंबर थी, इसलिए मेरी आज एंकरिंग थी। पर कल बोल यकम नेगी जी को प्रोग्राम से, हमारे जो गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी उनको प्रोग्राम से, तो बोल मैं फिर से एंकरिंग कर लूँ। और यूँ था मिली था मेरी जुकड़ी में छपछपी पड़ गई, लेकिन मैं देख लू रहा हूँ। पर आज साक्षात मिली सर, तो ये वीडियो में जितना हैंडसम लगता है समझा भी होनी चाहिए। और यूँ की गिच्ची और यूँ बोली भाषा बहुत अच्छी लग देगी, लेकिन मैं भी बहुत गढ़वाली बोलती हूँ। मतलब गढ़वाली में बहुत अच्छी, हम गढ़वाली को एक बहुत बड़ा रीजन ये कि हम अपने कल्चर से प्रमोट कर चाह रहे हैं, हमारी जो भाषा चाह वे थे हम प्रमोट कर चाह। इसलिए मेरी सब वीडियो मोस्टली वीडियो मेरी गढ़वाली में होगा, मेरी भी गढ़वाली में रनिंग जा रही है, क्योंकि यार मतलब यंगस्टर है, भी जगह रहा, देश में रहा, विदेश में रहा, कोई भी परिधान पहना जरूरी नहीं, नकली पिछोड़ पहनी था आप गढ़वाली या पहाड़ी लग रहा, आप कहीं भी जगह रहा। मैं तो देख लिया, मैं अभी आज मेरी हालत जन हुई थी, तो मैं तो कोई नहीं बोल दूं अच्छा लग रहा है। धन्यवाद, आप तो मेरी बहुत सच में दिल से, मतलब ये फिल्म में वीडियो का वास्ता नहीं, नहीं नहीं दिल से बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो दगड़ियों फाइनली यार सब चीजें हो चुकी हैं, बहुत लोगों से मिले, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा। और अच्छी चीज तब लगती है जब आप लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं आपके काम से, आपको देखा होता है और अच्छे से अटेंड करते हैं, तो बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लगता है। आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और इसी तरह प्लीज यार सपोर्ट करें। बिल्कुल। और कल हम दोबारा आने वाले हैं महाकौतिक में, कल थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि सुयश ने आज स्टॉल्स वगैरह एक्सप्लोर नहीं करी है, नहीं कर पाए, वो हम आपको कल दिखाएंगे। सुयश के जल्दी से जल्दी 100K करवाओ यार, मेरे उसमें करवा दो, मेरे YouTube में करवा दो, और भाई के Instagram में करा दो, 100 करा दो पार। बिल्कुल, 50 हो गए ना, 50K हो गए, हो गए। अरे बधाई हो यार, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 3-4 दिन पहले तो मैंने बोला था, दो दिन पहले हो गए। चलो बढ़िया यार, अभी जब हम मिले थे, जब वो मिलियन वाली एक रील बनी थी हमारी, उस टाइम आपके 33 थे शायद, उस टाइम पे 30 अराउंड थे, तो बड़ी जल्दी ग्रो हो गए। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, और कल हम फिर आएंगे एक्सप्लोर करेंगे। लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना दोस्तों, बाय बाय, सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल, धन्यवाद।